Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IES. In this class, we will be covering Battle of Plassey, which took place on June 23rd, 1757. तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अब हुआ ये कि जब अली वर्दी खान उनकी डेथ हो जाती है 1756 में, तो उनके बाद उन कौन से रूलर आते हैं, कौन से नवाब आते हैं, नवाब सिराजुद्दौला। तो नए बंगाल के नवाब बनते हैं नवाब सिराजुद्दौला। अब ये जो सिराजुद्दौला थे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ये चाहती थी कि वो फ्रीली ट्रेड कर सके, उनके ऊपर ज़्यादा कोई टैक्सेस ना लगे, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले, उनको ज़्यादा लॉज ना मानने पड़े, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी। बट जो सिराजुद्दौला थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वो टाइम टू टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको वॉर्न करते रहते थे कि आपको सारे लॉज मानने पड़ेंगे, जो भी टैक्सेस हैं या जो भी ड्यूटीज हैं वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ऐसा रूलर चाहती थी जो कि पपेट हो उनके हाथ में, जो कि कठपुतली हो। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वो ऐसे रूलर नहीं थे, वो पपेट रूलर नहीं थे। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब भी वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती थी नवाब सिराजुद्दौला के अफेयर्स में, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रिक्टली वो चीज़ें अपोज करते थे। इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। यही लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा आगे रीजन्स आए, इन रीजन्स की वजह से एक बहुत बड़ा बैटल होता है जो है बैटल ऑफ प्लासी। सो दिस इज नवाब सिराजुद्दौला। सो नाउ वी विल स्टडी रीजंस क्या थे। तो होता कि इसके बीच में है बैटल ऑफ प्लासी, नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रीजंस मेन तो जैसे हम मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस मांगती थी, बट नवाब जो थे वो उनको ऐसे प्रिविलेजेस नहीं देते थे। नाउ लेट्स लुक एट दी रीजंस इन डिटेल। सो फर्स्ट, दी ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिस यूज ऑफ इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस दैट एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब्स फाइनेंसेस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो स्टार्टिंग में तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड करती थी, तो जो भी उनको जैसे प्रिविलेजेस मिले हुए थे टैक्सेस को लेके, कुछ ड्यूटीज को लेके, तो उनका वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिसयूज करती थी। अब उनके मिसयूज की वजह से जो इफेक्ट था वो किसको पड़ता था, वो नवाब के फाइनेंसेस के ऊपर उसकी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अब उस टाइम पे वैसे भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है 18th century में, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी ऑलमोस्ट हर स्टेट्स की, तो उस वजह से जो नवाब से या बाकी रूलर्स थे उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। द इंग्लिश फोर्टिफाइड कैलकटा विदाउट द नवाब्स परमिशन। तो एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज किया, दूसरा उन्होंने कैलकटा को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, इस वजह से भी नवाब को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। द कंपनी फर्दर ट्राई टू मिसलीड हिम एंड कंपाउंडेड देयर सिन बाय गिविंग असाइलम टू अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णदास सन ऑफ राज बल्लभ हु हैड फ्लेड विद इमेंस ट्रेजर्स अगेंस्ट द नवाब्स विल। तो एक थे कृष्णदास जो कि राज बल्लभ के सन थे, तो उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने नवाब के जो ट्रेजर्स थे उनके कुछ चोरी वगैरह करी थी, तो बेसिकली ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय द नवाब। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नवाब को तो वो पसंद नहीं थे, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको असाइलम दी थी, बेसिकली उसकी हेल्प करी थी, इस वजह से भी नवाब ही हैड स्टार्टेड डिसलाइकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज मेंशन मे बी मेड हियर ऑफ द मच प्रोपेगेटेड ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी जिसमें जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने 146 इंग्लिश पर्सन्स को इम्प्रिजन किया था एक बहुत ही छोटे रूम में, और जिस वजह से 123 लोग उसमें से दे डाइड ऑफ सफोकेशन। तो इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं।
बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी को, बट मेनी ऑफ देम दे बिलीव दैट नो सच काइंड ऑफ थिंग नेवर हैपेंड. तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजिडी है, मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस दे बिलीव दैट दिस ब्लैक होल ट्रेजिडी इट वॉज द अल्टीमेट रीजन ड्यू टू विच द ब्रिटिश द ईस्ट इंडिया कंपनी दे बिकेम वेरी एंग्री एंड दे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल. तो दोबारा एक बार रीजंस रिवाइज कर लेते हैं. तो एक रीजन तो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का बहुत ज़्यादा मिसयूज करती थी. दूसरा, उन्होंने कैलकटा को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था. एंड थर्ड इज ब्लैक होल ट्रेजिडी. तो ये एक मोटे मोटे रीजंस हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ पलासी हुआ था. नेक्स्ट इज द बैटल. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट कैलकटा फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथन्ड द इंग्लिश पोजिशन इन बंगाल. तो जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जो इंग्लिश फोर्सेज थे वो किसकी कमांड के अंडर थे? रॉबर्ट क्लाइव की कमांड के अंडर. क्लाइव फॉर्ज्ड अ सीक्रेट अलायंस विद द ट्रेटर्स ऑफ द नवाब मिर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमी चंद. तो बेसिकली ये चार लोग थे जिनको, जो ट्रेटर्स थे, ये थे तो नवाब की साइड, बट इन्होंने क्या किया था, सीक्रेटली इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ एक अलायंस बना लिया था. नवाब को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये जो सारे लोग हैं ये नवाब के अगेंस्ट चले गए हैं. तो ये इसीलिए ये बोला जाता है कि विक्ट्री ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि ये जो लोग थे इन्होंने नवाब को एक तरह से धोखा दिया था. नवाब के अगेंस्ट जाके इन्होंने ब्रिटिश के साथ अलायंस किया था. अंडर द डील मिर जाफर वॉज टू बी मेड द नवाब, हु इन टर्न वुड रिवॉर्ड द कंपनी फॉर इट्स सर्विसेज. तो मिर जाफर के साथ ये डील हुई थी कि मिर जाफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करेंगे और बदले में मिर जाफर को क्या नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का. एंड ऑल्सो मिर जाफर कंपनी को एक तरह से थैंक यू करने के लिए काफी ज्यादा, जैसे एक कुछ मनी देंगे या फिर कुछ बाकी बाकी स्टेट्स का या फिर बाकी जगह की जो एक रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में उन्होंने दे देनी थी. तो बेसिकली ये एक डील थी कि मिर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा और बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको वॉर में भी हेल्प मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट्स थे उनकी एक रेवेन्यू भी ब्रिटिश को मिलने वाली थी. The secret alliance of the company with the conspirators further strengthened the English position. So the English victory in the Battle of Palasi, June 23, 1757 was decided before the battle was even fought. तो history में एक चीज़ बोली जाती है कि Battle of Palasi एक तरह का एक ऐसा battle है जो कि कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक जो विक्ट्री थी वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी. क्योंकि जो मिर जाफर, ये एक इम्पॉर्टेंट लोग थे जो नवाब के एक तरह से एक यू नो एक स्ट्रेंथ थे नवाब की आर्मी के, उन्होंने एक सीक्रेट अलायंस बना लिया था ब्रिटिश के साथ. तो इस वजह से ब्रिटिश जो है वो बहुत ईजिली जीत गए थे. ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द नवाब्स ऑफिशल्स, द 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वॉज डिफीटेड बाय अ हैंडफुल ऑफ क्लाइव्स फोर्स. सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मिर जाफर्स सन मिराब. तो मिराब, तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट अलायंस बनाया था तो नवाब की जो 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स थी वो भी हार गई थी ब्रिटिश की एक बहुत कम जो एक छोटी सी फोर्स थी उसके सामने. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट वन द बैटल एंड उसके बाद जो नवाब सिराजुद्दौला थे ही वॉज कैप्चर्ड एंड ही वॉज मर्डर्ड. द बैटल ऑफ पलासी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द इंग्लिश वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. अब क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला थे उनका तो मर्डर कर दिया गया था, ही वॉज कैप्चर्ड एंड ही वॉज मर्डर. अब जो नए नवाब थे वो किसको बनाना था? मीर जाफर को. और जो मीर जाफर थे वो तो पपेट थे इंग्लिश के हाथ में, क्योंकि इंग्लिश ने ही उनको नवाब बनाया था. तो ऑब्वियसली जो मिर जाफर थे वो तो वही करेंगे जैसा उनको जो इंग्लिश ऑफिशियल्स हैं वो बोलेंगे.
तो एक तरह से बंगाल के जो भी रिसोर्सेस थे वो एक तरह से इंग्लिश के हाथ में आ चुके थे। आफ्टर प्लासी द इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल। तो जो सारी ट्रेड एंड कॉमर्स थी बंगाल की, तो वो सारी अब किसके हाथ में आ चुकी थी? जो इंग्लिश थे उनके हाथ में आ चुकी थी। नाउ वी विल स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैटल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो सबसे पहला आउटकम तो यही था कि जो मीर जाफर थे ही वॉज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू द इंग्लिश। तो उन्होंने रॉयल ट्रेजरी से बहुत ज्यादा जो मनी था वो इंग्लिश को दिया था, बेसिकली एक थैंक यू कि हाँ यू हैव मेड मी द नवाब नाउ। तो उस चीज के लिए उन्होंने उनको काफी ज्यादा लार्ज सम्स ऑफ मनी ही गेव इट टू द इंग्लिश ऑफिशियल्स। एंड ऑल्सो जो 24 परगनास थे उनकी जो जमींदारी थी वो भी इंग्लिश को दे दी थी। द बैटल ऑफ पलासी हैड पोलिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये चीज़ याद रखना कि इस बैटल के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका फाउंडेशन इंडिया में, इट वॉज लेड डाउन आफ्टर दिस बैटल ऑफ पलासी। इट हैज़ बीन राइटली रिगार्डेड एज द स्टैटिक पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि अभी तक तो जो पुराने छोटे मोटे बैटल्स थे वो एक तरह से एक ज्यादा फाउंडेशन नहीं लेट डाउन किया था ब्रिटिश ने उसमें, पर ये एक जो बैटल था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और इसके बाद जो बाकी बैटल्स होते गए, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, काफी एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए, फिर धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश की फाउंडेशन थी उसको एक्सपैंड वो होता गया, एंड देन फाइनली देवर रूलिंग दी एंटायर कंट्री। तो इस तरह से जो एक फाउंडेशन थी, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था ब्रिटिश की जो फाउंडेशन थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? विद द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल एस्टैब्लिश्ड द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। देयर मेन राइवल्स द फ्रेंच वर आउस्टेड। दे ऑब्टेन्ड अ ग्रांट ऑफ टेरिटरीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपरली इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स एंड देयर प्रेस्टीज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब क्योंकि जो इंग्लिश थे वो जीत चुके थे, काफ़ी ज़्यादा उनको परगनास की जमींदारी मिल गई थी, काफ़ी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी हो गई थी, मिलिट्री सुप्रीमेसी भी उनकी आ गई थी। तो उनके जो एक मेन राइवल थे फ्रेंच, इसके बाद वो द फ्रेंच वो उनका भी एक तरह से देवर ऑल्सो आउस्टेड। तो ब्रिटिश को बेसिकली अब कोई ज्यादा कंपटीशन बचा नहीं था। बट देयर वॉज नो अपेरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर्स पास्ड टू क्लाइव ऑन हुज सपोर्ट द न्यू नवाब मीर जाफर वॉज एंटायरली डिपेंडेंट फॉर मेंटेनिंग हिज न्यूली एक्वायर्ड पोजिशन। तो ये है कि ब्रिटिश जीत गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, बट फिर भी उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट दो थी उनके हाथ में, क्योंकि जो रूलर थे मीर जाफर वो तो पपेट थे, वो तो कठपुतली थे, बट फिर भी थे तो वही ना नवाब। गवर्नमेंट तो अभी भी नवाब की ही थी, तो गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आया था, बट फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो किसके इशारों पे ही काम करेगी? इंग्लिश के इशारों पे। द सोवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश ओवर कैलकटा वॉज रिकग्नाइज्ड एंड द इंग्लिश पोस्टेड अ रेजिडेंट एट द नवाब्स कोर्ट। तो एक जो रेजिडेंट था, एक इंग्लिश रेजिडेंट था, वो हमेशा के लिए एक नवाब के कोर्ट में ही वॉज पोस्टेड। तो एक तरह से जो बेसिकली गवर्नमेंट तो इंग्लिश की ही आ चुकी थी, रियलिटी में इट वॉज नॉट देयर, बट अगर देखा जाए तो वो आ ही चुकी थी, क्योंकि नवाब भी उनके हाथों में थे। अब उनके इशारों पे जो इंग्लिश चाहते थे वही अब होएगा बंगाल में। तो ये था बैटल ऑफ पलासी। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था? डेट आपको याद रखनी है। रीजंस क्या थे? कि एक तो ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज करते थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। और एक जो रीजन है वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी, बट वो रीजन कई लोग मानते हैं और कई हिस्टोरियंस उसको नहीं मानते। अब इसके बाद हुआ क्या कि जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीत गई थी, क्योंकि मेन रीजन क्या था कि बहुत ज्यादा जो ट्रेटर्स थे जैसे कि मीर जाफर, उन्होंने एक सीक्रेट अलायंस बना लिया था ब्रिटिश के साथ।
आउटकम्स क्या हुए थे इस बैटल के? एक तो ये हुआ था कि जो मीर जाफर थी ही वॉज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, और 24 परगनास की जो जमींदारी थी वो ब्रिटिश को मिल गई थी, एंड ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इट वॉज लेट डाउन विद दिस बैटल. और जो फ्रेंच थे दे वर ऑल्सो आउस्टेड, एंड ऑल्सो जो इंग्लिश ने एक रेजिडेंट पोस्ट कर दिया था एट द नवाब्स कोर्ट. So now let's discuss one sample MCQ. Which one among the following was the immediate cause of attack by Nawab Siraj-ud-Daula on Calcutta in 1756? तो एक immediate reason क्या था जिस वजह से Nawab Siraj-ud-Daula ने attack कर दिया था? First is refusal of the English company to pay the overdue trade tax. Second, the English conspired against the Nawab with a view to depose him from the throne. Siraj-ud-Daula wanted to drive out the English from Bengal. Refusal of the English to demolish the fortification of Calcutta. तो हमने अभी रीजन पढ़े हैं, तो आई होप आपको ये आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा. तो इसका जो आंसर है वो है रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश टू डिमोलिश द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा, डी. सो दिस वाज ऑल अबाउट बैटल ऑफ पलासी. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.